तो इंडिया की जीडीपी में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, मेरे ख्याल में 6.2% हुई है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के इसके पीछे क्या वजह थी, किसकी वजह से, मतलब क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। यूएस के 40th प्रेसिडेंट रोनल्ड रीगन के काउंसलर ने कहा था कि भाई जो 21st सेंचुरी है ये इंडिया की सेंचुरी होगी, इंडिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन उस टाइम पर ये स्टेटमेंट किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज के टाइम पे देखो तो लगता है कि भाई ये बात जेन्युइनली सच हो सकती है। भारत ऑलरेडी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में गिना जाता है, और आज के टाइम जहां ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डगमगा रही है, भारत वहां पर 6-7% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से क्यों देख रहे हो, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखो तो वहां पर भी भारत एक मेजर प्लेयर बन के उभर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ज्यादातर जब डिस्कशन चाय की टपरियों पर होता है, लोग बोलते हैं अरे भारत का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में कोई चेंज नहीं आ सकता, हमारी ग्रोथ तो बिल्कुल ही जीरो है। तो आज के इस वीडियो में मैंने डिसाइड करा है कि आपको इन सारी बातों का एक फ्लिप साइड दिखाया जाए। इन सारे लोगों तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि भारत में लास्ट 1-2 डेकेड में जो मैजिकल अचीवमेंट हुए हैं उन पर इस वीडियो में बात की जाएगी। और मैं ये सारे फैक्ट्स जो लाया हूं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, UN और भारत की खुद की गवर्नमेंट के डेटा सोर्सेज से लिए, मैं अपनी तरफ से कोई जोड़ के नहीं बता रहा हूं। तो ये वीडियो अच्छे से देख और आगे शेयर जरूर करना। भारतीय इकोनॉमी अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। दिस इज इंडिया आफ्टर 75 years वी हैव अराइव्ड एट दिस सिचुएशन। भारत $10 trillion की अर्थव्यवस्था को छूने की क्षमता रखता है। द इंडियन इकोनॉमी मे बी ऑन अ फास्टर ग्रोथ पाथ देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला भारत जल्दी ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। इट विल नॉट बी अ सरप्राइज इफ द जीडीपी ग्रोथ ऑफ लास्ट ईयर कम्स स्लाइटली अबव 7%। सबसे पहली एनालिसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 1991 में जब पॉलिसी चेंज हुए थे तो उसके बाद भारत में जो इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, उसकी वजह से भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडर बन गया। भारत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल का भी इस बात में बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि हमारी गवर्नमेंट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर पाती है। इस मॉडल के जरिए जो गवर्नमेंट पे वर्कलोड था वो कम हुआ और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हुई है। अगर आप पिछले 1 डेकेड में देखें, भारत ने नेशनल हाईवे की लेंथ में 50% से ज्यादा इंक्रीज दिखाया है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल 144,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे मौजूद थे। रीसेंट यूनियन बजट में अगर देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को 2.7 लाख करोड़ रुपए एलोकेट करें, जिससे आने वाले सालों में भी लगता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम होने वाला है। अगर आप रेलवे में भी देखें तो भले रेलवे कितनी स्लो, जिस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। जनवरी 2023 तक कंस्ट्रक्शन 60% कंप्लीट है। ओवर द ईयर्स रेलवे ट्रैक्स में भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, अब तक 85% ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड है। एविएशन सेक्टर देख लो, टूरिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। देश में एयरपोर्ट का नंबर कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ये बात आप सिर्फ एक डेटा पॉइंट से समझ सकते हो। लास्ट 8 सालों में नियरली हर साल 10 नए एयरपोर्ट ऐड किए गए, इससे भारत में पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट का नंबर डबल होकर 148 पहुंच चुका है और 2024 तक ये 200 पहुंच जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से ना सिर्फ पब्लिक को फायदा नहीं होता, बल्कि ओवरऑल जो बिजनेसेस हैं उनकी सप्लाई चेन इंप्रूव होती है, और इसी वजह से लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस को लोग ट्रैक करते हैं। और इसको ट्रैक करने वाले वर्ल्ड बैंक के एक इंडेक्स में हम ऑलरेडी 38th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम कितनी तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिजिटाइजेशन की। ये इमेज देखो, ओवर द इयर्स भारत में जो स्मार्टफोन का नंबर है जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से डेटा का कॉस्ट कम हो रहा है, और ये एक परफेक्ट मैरिज है। देश में डिजिटाइजेशन इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी मैरिज। आज के टाइम डेटा रेट्स के हिसाब से देखें, भारत दुनिया में 5th चीपेस्ट कंट्री है। आज भारत में 759 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। यूएस में टोटल जितने लोग रहते हैं उससे डबल हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स है। कोई भी बाहर का मीडिया हाउस या लीडर हमारे बारे में फालतू बोलता है तो सोशल मीडिया पर उसको तुरंत
फैक्ट चेक करने के लिए सारे भारतीय आजाद। जैसे कुछ दिन पहले ही जब यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने मां काली का एक डिस्टॉर्टेड इमेज ट्वीट किया था तो यूक्रेन को ऑनलाइन इतना बैकलैश मिला कि उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ा। तो ये चीजें ना थोड़ी जरूरी होती हैं। एक चीज आप नोटिस करते हो कि पूरी दुनिया में जो अमेरिका है उसका कल्चर बड़ा सुपीरियर माना जाता है, उसको एक एलिवेटेड परसेप्शन से लोग देखते हैं। और इसका एक रीजन है कि जो उनकी मूवीज हैं, सॉन्ग्स हैं, पॉप कल्चर है, इनकी पूरी दुनिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है। सेम चीज जापान और कोरिया भी फॉलो करते हैं अपना सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, जैसे वो एनिमे, के पॉप, के ड्रामा, इस सबको आगे प्रोजेक्ट करते हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। अब ये चीजें धीरे धीरे भारत के साथ भी देखने को मिलती हैं। अब देखते होगे आजकल बड़े विदेशी ब्लॉगर आते हैं यहाँ के, पानी पूरी खाते हैं और व्लॉग बनाते हैं, अपने यहाँ की मूवीज के ट्रेलर तक पे रिएक्शन करते हैं, यहाँ के गाने लगा के रील पे नाचते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि व्यूज यहीं से आने वाले हैं। तो इस ह्यूज ऑनलाइन प्रेजेंस से भारत की सॉफ्ट पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं इसके साथ डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ रही है। लोग किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन इजीली शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं। लेगेसी मीडिया की जो कचरा जर्नलिज्म है उसको भी एक्सपोज कर सकते हैं। और देश के लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन एक काफी पावरफुल टूल है जो कि अब और ज्यादा एक्सेसिबल होता जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में भी भारत के लोग काफी आगे हैं। वैसे टोटल ऑनलाइन यूजर्स के हिसाब से 1.3 करोड़ लोगों के साथ यूएस के बाद भारत सेकेंड नंबर पर आता है ऑनलाइन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। इसी ऑनलाइन लर्निंग में एक ट्रेंड काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो है इंग्लिश सीखने का। लेकिन इंग्लिश के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है कि भैया फ्लुएंट इंग्लिश सीखना काफी मुश्किल काम है। एक्चुअली बताऊं तो ये उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको सीखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। सिर्फ बुक पढ़ के या वीडियो देख के आप नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिन्हें इंग्लिश आती हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन ये काम बड़े इजीली कर सकते हैं। और इसमें आपको हेल्प करेंगे हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर कैम्बली। कैम्बली एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस मिलती है, जहां पर 20,000 से ज्यादा ट्यूटर्स हैं जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे यूएस, यूके और कनाडा से आते हैं। ये क्लासेस काफी इंटरैक्टिव होती हैं, ट्यूटर्स आपको बड़े फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल वे में गाइड करते हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज भी पिक कर सकते हैं, जैसे बिजनेस इंग्लिश, IELTS, ट्रैवल, कल्चर एटसेट्रा। अगर आपको भी इंग्लिश का डर खत्म करना और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलनी है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप कैम्बली की ट्रायल क्लास सिर्फ ₹9 में बुक कर सकते हो, और इसमें आपको अपने पसंद का ट्यूटर सेलेक्ट करके उनके साथ 15 मिनट की ट्रायल क्लास बुक करके कैम्बली को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वाली ट्रायल क्लास पसंद आई तो आप 1-on-1 क्लास के लिए कैम्बली प्राइवेट चूज कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप क्लास चूज कर सकते हो जहां पर आपके जैसे दो और स्टूडेंट होंगे अलग अलग कंट्रीज से। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना ट्रायल बुक करिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस वाले पॉइंट के अंदर मैं आपको गरीबी, बिजली, पानी, सफाई, इन्फेंट मॉर्टेलिटी जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से जुड़े डेटा पॉइंट दिखाऊंगा। इसके सोर्सेस वर्ल्ड बैंक और UN जैसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेरीफाइड है। तो थोड़ा ध्यान से स्क्रीन वगैरह पॉज करके इस पॉइंट को देखना। देखो 1990 में जहां भारतीयों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 59 ईयर्स हुआ करती थी, 3 decade के बाद वो 70 साल पे पहुंच चुकी है। और इसका मेन रीजन है कि ओवर द ईयर्स भारत में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है। पिछले कुछ डेकेड्स में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इम्प्रूव होती चली गई है। ऑल्दो अभी हम पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन एज ए डेवलपिंग कंट्री हमारी ग्रोथ काफ़ी स्टेडी और कंटिन्यूस है। अब आप ये वाला ग्राफ देखो। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अकॉर्डिंग 2016 में भारत में करीबन 124 मिलियन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोग थे, लेकिन 2022 में ये नंबर सिर्फ 15 मिलियन था। इस कैलकुलेशन के हिसाब से भारत में हर एक मिनट में एवरेज 44 लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हो रहे हैं। और अब आप ये वाला मैप देखिए, इसमें जो कंट्रीज के कलर्स हैं वो किन एरिया में कितने परसेंट के घरों में टैप वाटर पहुंचा है ये दिखाता है। ये नंबर अगस्त 2019 का है जब भारत में जल जीवन मिशन नहीं था। उसकी लॉन्च होने के बाद यही सेम मैप अब ऐसा दिखता है। इसमें जो इम्प्रूवमेंट 4 सालों में हुआ है वो अपने कंट्री के ओवरऑल साइज को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल लगता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन का भी एक बड़ा मेजर रोल है हमारी ओवरऑल जो लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है। अब ज़रा आप ये मैप देखिए, आप देख सकते हो 2014 से 2017 के बीच में भारतीय घरों में जो टॉयलेट्स का नंबर है वो कितनी तेज़ी से इस मैप के जरिए इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी कवरेज की अगर बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मार्च 2022 का डेटा बताता है कि अब भारत में
97% घरों में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। ईयर 2000 में भारत के अंदर जब 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 66 इन्फेंट्स की डेथ हो जाती थी। ये नंबर 2015 में घटकर 38 पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक मेजर अचीवमेंट कही जा सकती है। अगला पॉइंट हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है। आज भारत ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में 4th पोजीशन पर आता है और 2014 से अब तक हमने 128% का इंक्रीज किया है। पिछले 9 सालों में भारत के अंदर सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 24 गुना बढ़ गई है और इसकी वजह से आज हम सोलर से 66 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा विंड और हाइड्रो पावर में भी हमने काफी तरक्की करी और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी 43 और 47 गीगावाट के अराउंड पहुंच चुकी है। आज जब पूरी दुनिया रिन्यूएबल की तरफ देख रही है तब हम बड़े स्टेप्स उठाकर इसमें लीडर बनने के पूरे एफर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हमें इसमें लीडर बनना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। आप शायद शॉक्ड हो जाओगे सुनकर, बट बहुत सालों पहले भारत वर्ल्ड जीडीपी में ऑलमोस्ट 1/3 शेयर कंट्रीब्यूट करता था। फिर हम पर बहुत सारे अटैक हुए, लूटपाट हुई और कई डेकेड्स के बाद हमारी जीडीपी श्रिंक करती चली गई। आज के सिर्फ 20 साल पहले हम दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में भी नहीं आते थे। 2023 में हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इसी डेकेड में हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी भी बनने वाले हैं। और यही रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले 25 ईयर्स में हम यूएस को भी पीछे छोड़ के चाइना के बाद 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएंगे। बीच में कोविड ने धक्का लगाया, इसके बावजूद भी पिछले कुछ डेकेड में अगर आप देखें जीडीपी कंटिन्यूअसली 6-7% के हिसाब से तो ग्रो कर ही रही है। अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज, भारत की जो ये ग्रोथ है वो लोकल इकोनॉमिक सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ऑन दी अदर हैंड हमने अभी तक हमारे देश में पूरी तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी नहीं देखा है। तो देश की एक मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना बाकी है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। भारत में जो मीडियन एज है वो 28 साल है, यानी कि 34% पॉपुलेशन 20 साल से कम है। यानी हमारे पास एक मेजर यंग फोर्स मौजूद है और आने वाले सालों में ये सारे लोग वर्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे। पूरी दुनिया में जब लोग संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं कि लोग नहीं मौजूद हैं, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, एवरेज एज बढ़ती जा रही है, भारत उस फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि यूके यूएस जैसी कंट्रीज में रिसेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी 75% 65% और इसी सेम रिपोर्ट में भारत के रिसेशन में जाने की पॉसिबिलिटी 0% है। अगली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज का कुछ ना कुछ रिश्ता नाता चाइना के साथ जुड़ा ही रहता है और भारत भी अब इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कुछ हद तक इसका नतीजा हमने पिछले क्वार्टर में देखा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पहली बार चाइना से ज्यादा हुई है। एप्पल, बोइंग, फेडेक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आ चुकी हैं और आने वाले सालों में चाइना से रिलोकेट करने की बात कर रहे हैं। और ये यूएस चाइना की टेंशन के चलते वो कंपनीज जो अभी तक चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती थी वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। चाइना के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक और कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में कंपनीज एशिया की अलग अलग कंट्रीज में भी शिफ्ट हो रही हैं, जिसमें भारत का नाम भी ऊपर लिस्ट में आता है। साल 2000 से 2022 तक भारत में FDI 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और इसी दौरान में जो टोटल FDI $871 बिलियन का आया है और भारत दुनिया के टॉप 7 ग्लोबल FDI डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है। इसके अलावा जो भारत की फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि जापान, UAE, US, जर्मनी, फ्रांस, ये सब भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगले 5 सालों में अकेले जापान यहाँ पर $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगला पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स। मुझे पता आप लोगों को ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी दुनिया में देखो तो रशिया चाइना लेड एक ईस्टर्न पोल दिखता है और वहीं US लेड वेस्टर्न पोल दिखता है। उसके बीच में भारत एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहां एक तरफ भारत ब्रिक्स और SCO जैसे इन्फ्लुएंशियल ईस्टर्न ग्रुप में भी आता है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड और I2U2 जैसे ग्रुप्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। आज भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज अपने लिए और अपने हिसाब से डिसाइड करता है, किसी दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं चलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको रशिया यूक्रेन वॉर में दिखा होगा। इस वॉर में भारत दुनिया में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिससे दोनों पार्टीज इक्वली कॉन्टैक्ट में है और कंटिन्यूसली हेल्प की उम्मीद भी रखते हैं। यह हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का ही कमाल है कि वॉर में लड़ रहे दोनों साइड में एक साइड हमें
हमें अपना अलाई बताता है और दूसरे साइड के लोग हमें विश्व गुरु बताते हैं। तो ये थे वो 7 रीजंस जो मैंने आपको प्रॉपर फैक्ट के चलते बताए। इससे दिखता है कि भारत एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड नेशन नजर आता है। लेकिन यहाँ ये मेंशन करना बेहद जरूरी है कि हमने डिफरेंट सेक्टर में बहुत तरक्की कर ली, लेकिन ये सफर अभी बस शुरू हो रहा है। अभी भी देश के अंदर इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, करप्शन है, यूथ में एडिक्वेट स्किल्स की कमी है, पोल्यूशन हद से ज्यादा है, कम्युनल और एथिकल टेंशन भी हैं, बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान के साथ भी हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, और इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज हैं जिनको प्रॉपरली एड्रेस करना है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी कमियों से मुंह नहीं छुपाता, भागता नहीं है, उन कमियों को ढूंढकर उनके सोल्यूशन की खोज करता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं एक पूरी जनरेशन ऐसी खड़ी हो रही है जिसके दिमाग में डाल दिया गया है कि अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बेकार है, यहां क्या ग्रोथ होगी। और ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताइए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, आज की वीडियो थी कि जिसकी वजह से इंडिया जो है ज्यादा जो ग्रोथ कर रहा है, तो देखा जाए तो भाई साहब मेन वजह यही होती है कि जब पैसे का भाव होता है ना कंट्री में, तभी जो है वो जीडीपी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है। तो देखा जाए तो भाई साहब दो जब से बीजेपी की सरकार आई है तो जो स्पीड थी इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर डिफेंस देख लो, हर रेट देख लो, हर शोबे में जिंदगी के हर शोबे में भाई, और इसमें कोई दोरे राय नहीं। बाकी भाई आवाम तो ऐसी है भाई, मुझे याद है कि जब 200 रुपए का एक मन आटा मिलता था तब भी आवाम रोती थी पाकिस्तान में, और आज जो है वो 6000 का मिल रहा है एक मन आटा, तब भी रो रही है। तो लोगों का इन्फ्लेशन की वजह से लोग जो है रोते रहते हैं, ये नॉर्मल बात है जी। तो वैसे देखा जाए तो रशिया यूक्रेन की वार में पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ी है, ताकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री भी इस चीज से बचे नहीं है। यकीन माने पूरी दुनिया ने नुकसान उठाया, फायदा उठाया, तो सिर्फ एक वाद कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। सही बात है, इंडिया इस वार से ग्रोथ भी वैसा होनी की होनी की हुई है, बिल्कुल और किसी कंट्री की है। पूरी दुनिया में बाकी कंट्री तो वैसा अपनी अकड़ में मारे गए या कठपुतली बनकर मारे गए, इंडिया का वैसा दोनों तरफ से फायदा लिया। आजाद फॉरेन पॉलिसी, यही है कि आजाद फॉरेन पॉलिसी की वजह से क्वाड का भी हिस्सा है, ऊपर से ब्रिक्स का भी, और ये उसका भी हिस्सा, तो दुनिया का जरूरत है, हर कंट्री का जरूरत है इंडिया के भाई साहब। देख लो क्योंकि चाइना से कंपनियां निकल कर इंडिया के अंदर आ रही है, कोई एजुकेटेड लोग है, लेबर है जी। और सबसे बड़ी बात यूथ कहते हैं ना कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो भाई साहब यूथ भी उन्हीं बच्चों से बनती है, बूढ़ों से। ये सिर्फ मुसलमान ना करते हैं, इंडिया के दूसरे नहीं, मतलब इल्जाम तो ज्यादा मुस्लिम पर ही लगता है ना, वो ये इल्जाम की बात कर रहा है। 5-7 तक बच्चे पैदा करते हैं तो यूथ से बनती है। ये पॉपुलेशन ज्यादा हो और काबिल हो फिर मजा आ, ये नहीं ये ऐसा ना हो कि भाई पॉपुलेशन वो ज्यादा हो और वो जाहिल हो, वो बोझ ना, वो फिर नुकसान होता है। बात अगर स्किल्ड वर्कर भी हो तो फिर भी वो भाई कंट्री के लिए तो पैसा कोई ना कोई रोजगार काम कर सकते हैं। अब देखा जाए तो अगर सारे ही पढ़ लिख जाए लोग तो पंक्चर भी तो किसी ने लगाना ही होता है, तो सारे लेकिन ये है ना जिस तरह जदीद दौर आ रहा है, जब भी जदीद तरीके से लगाए वो भी पढ़े लिखे लोग ही लगाएंगे। और एक और भी इकोनॉमी की जो मेन वजह है ना वो ये है कि भाई जो डिजिटल हो गया इंडिया डिजिटल है, इसका बड़ा हाथ है कि लोगों का जो पैसा है ना वो गवर्नमेंट की नजर में रहता है। जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो साफ जाहिर है गवर्नमेंट की नजर में होता है। यहाँ पे लोग जो है करोड़ों रुपए जो है वो नकद में करते हैं, वो टैक्स नहीं देते। ऐसी बात, टैक्स चोरी होती है, तो वो खराबी होती है। अब इतनी ज्यादा UPI की वजह से ट्रांजैक्शन होती है, लाखों करोड़ों की तादाद, अरबों की तादाद, बिल्कुल बिल्कुल देश में कोई दौरी। तो एक तो यूथ है भाई इंडिया के पास, दूसरा नंबर स्टार्टअप जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हुए हैं। और इंडिया में जिस तरह सर ने बताया कि भाई पहले 2014 में कई ऐसे घर थे जो जिसके अक्सर पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है, तो वो
उसकी बहुत कमी थी, अब जो है वो पूरे इंडिया में पानी की जहाँ पर सप्लाई नहीं थी वहाँ पर पानी भी है। अब जहाँ पर बिजली देख लो 97% पूरे इंडिया के अंदर बिजली की सप्लाई नहीं है। बिजली जो बनाते हैं विंड के अंदर ये बनाते हैं, दूसरे सोलर वाले देख लें कितनी बनाते हैं ये भाई, इसमें तो मास्टर है, मास्टर सही बात है। दुनिया के दूसरे नंबर ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो साफ जाहिर है भी बनाने में भी तीसरे नंबर है ना, तकरीबन दूसरे नंबर बनाने में, लेकिन कंजप्शन में दूसरे कंजप्शन में तीसरे नंबर में, नहीं दूसरे में। अच्छा चाइना में नहीं है कंजप्शन ज्यादा, चाइना में मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा होगी पॉपुलेशन तो इंडिया के, फिर चाइना की पॉपुलेशन अभी इंडिया ने क्रॉस किया भाई साहब, उधर इंडस्ट्री भी ज्यादा है सारा कुछ, लेकिन कंजप्शन में बोर रहा था सर, बोर रहा था। चलिए जी, मुझे भाई इस बारे में थोड़ा सा डाउट हो गया, बताइए जरूर, क्योंकि दूसरे नंबर तो चाइना ही आता है, पॉपुलेशन भी उसकी बड़ी थी और रकबा भी ज्यादा था और उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है, साफ जहाँ पर बिल्कुल इतनी ज्यादा मिलने चलेंगी सारा कुछ होगा तो कंजप्शन भी ज्यादा ही होगी। तो भाई साहब एक तो आपको ये बेनिफिट के आपकी जो यूथ है एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरे नंबर स्किल्ड वर्कर। एक काम की बात बताऊं भाई, आपके लीडर अच्छे हाँ, उन्हें फॉरेन पॉलिसी मोहब्बत है, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है जी, करप्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह बिल्ड कर दिया ना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस एरिया में रोड सड़कें होंगी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग बिजनेस करेंगे, जहाँ पर बिजनेस होता है लोगों को रोजगार मिलता है, लाइफ स्टाइल बेहतर होता है, बढ़ा दिया है। रेलवे हो गया, रोड बढ़ा रहे हैं, कोई शोभा छोड़े नहीं भाई साहब, एयरपोर्ट बन रहे हैं जी, मेट्रो बन रही है जी, जो पुराने रेलवे स्टेशन थे उनको जो है वो डेवलप किया जा रहा है मजीद, तो बहुत बढ़िया लगा देख के भाई। और इसकी जो वजह मेन यही है कि भाई लीडर अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। अब नितिन गडकरी की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं, ये खराब होता है भाई, चौड़े प्रोजेक्ट, दुनिया से किसी लिहाज में पीछे नहीं रहना, जो बाहर से प्रोजेक्ट देकर आते हैं वो कहते हैं जब तक ये लॉन्च इंडिया में नहीं होगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा भाई, जो दिन लग जाते थे दो दो दिन लगते थे वो घंटों में सफर होता है। हाँ, अच्छा रोड है बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।